हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हरियाणा 112 की शुरुआत के बाद 64 घंटों में कुल 36,000 के आसपास कॉल प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री अनिल विज व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति में 12 जुलाई को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो आइए अब जानते हैं कि इस पर बाकी सब लोगों का क्या कहना है। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस सिस्टम को, इस प्रणाली को जो चलाया गया, इसका कारण क्या था, और अब जो ये प्रणाली चली है तो इससे सरकार को क्या फायदा होता है। सो सबसे बड़ी बात है कि एक जनरल कंप्लेंट कॉमन पब्लिक के अंदर, प्रदेश में, मैं कहूँगा देश में भी ये शिकायतें आती रही कि जी जब भी नंबर डायल करो नंबर बिजी आता रहता है। दूसरी बात कि जी जब नंबर मिल जाता है तो पुलिस वाला ठीक तरीके से बात नहीं करता। तीसरी बात कि जी जब बात हो जाती है हम उसको कहते हैं अभी हमारे यहां पे गाड़ी भेजो, झगड़ा हो गया है, तो वो कहता है जी गाड़ी अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में आती है। वो जो थोड़ी देर का मतलब है, कई बारी एक एक घंटा लेट आती है, तब तक जो होना होता है वो मौके पे हो चुका होता है। तो एज अ रिजल्ट हर स्टेप के ऊपर एक परेशानी थी, और उससे भी ज्यादा जो दिक्कत और आती है कि जी जब पुलिस वाले को कॉल करते हैं आग लगी हुई है तो वो कहता है जी एम्बुलेंस ने और फायर वालों को और बुला लो। सो एवरीथिंग वॉज इन स्मॉल पीसेस। सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्या हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हरियाणा प्रदेश के वासियों को या जो भी इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से गुजर रहा हो, कि अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो उसको सिंगल नंबर हो गया। यह सिंगल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है, पूरे देश के लिए है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विक्टिम को इमीडिएटली हेल्प और सपोर्ट दी जाए। पुलिस का ये ना हो कि एक भय बना रहे कि पता नहीं आके क्या कर देंगे। ऐसे में सबसे जरूरी था कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके अंदर हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो और सारी फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हों। आज उदाहरण के तौर पे अगर आपके समक्ष ये ऑडिटोरियम है, हमारे को 150 लोगों को, ये तो चलिए कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा जो इफेक्ट है कि हम हर सीट पे एक व्यक्ति को नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर किसी भी समय पे हमें अपने बंदों को अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है और उनको ब्रीफ करना है, ब्रीफ करने के बाद उनको एक्शन पे लगाना है, दिस कैन बी डन इमीडिएटली इन हाउस, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंदर हमारे कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं, एक स्पेशल ऑपरेशन रूम बनाया गया है कि अगर हरियाणा में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, कोई दंगे भड़क जाते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री या कोई सीनियर ऑफिसर अगर मॉनिटर करना चाहता है तो वो एक ही रूम से मॉनिटर कर सकता है। और जो आपने अभी दो कमरों में देखा, जहां पर कॉल्स आ रही थी और दूसरा जहां से कॉल्स दी जा रही थी, डिस्पैच किया जा रहा था, वो जो वीडियो के ऊपर आ रहा है उस सेम स्क्रीन को वो अपने सामने रेप्लीकेट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, एसपी को जो भी दिशा निर्देश देना चाहे, रिपोर्ट लेना चाहे, वो सामने समक्ष होगी। वो सारी चीज का महत्व होता है। आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूं, कोई बात आपके सामने कह रहा हूं, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो इट इज रिजॉल्व इमीडिएटली। दूसरा तरीका है कि आप फोन करते हैं, मैं फोन पे जवाब देता हूं, उसमें मैं कोई चीज आपको नहीं दिखा सकता। इस समय अगर मेरे को दिखाना है तो मैं कहता हूं कि जी यस ये चीज तैयार है। सो ये स्थिति करने के लिए टॉप ऑफ द जो इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है, क्योंकि इस
रूम के ऊपर जो हमारा ये सेंटर है जहां हमारे सर्वर्स इन हाउस लगे हुए हैं, कल को कोई भी हैकर्स या कोई भी व्यक्ति बाहर से अटैक करने की कोशिश कर सकता है। और ये सारी चीज़ संभव हो पाई बिकॉज ऑफ जो सरकार की दूरदृष्टि थी और सरकार की एक इच्छा थी कि इस तरह की चीज़ हरियाणा के लिए साकार की जाए। इसके अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस हैं, 24/7 ये सेंटर है, इसी वजह से इन हाउस कैंटीन है। तो सारी चीज़ वंस यू आर इनसाइड द कैंपस, आप हर रिक्वायरमेंट आपकी केटर हो जाती है। हमारे पास लेडी स्टाफ जो लगा हुआ है कॉल टेकिंग के लिए, उनके लिए चेंजिंग रूम्स सेपरेट हैं और मेन के लिए दूसरी तरफ बिल्कुल सेपरेट हैं। सो एवरी पॉसिबल रिक्वायरमेंट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी 12 तारीख को इसका उद्घाटन करके गए थे, 13 तारीख 8 बजे से उन्होंने इस प्रणाली को क्रियान्वित करने के आदेश दिए थे। आप लोगों ने वो सुने भी हैं और उसको मीडिया से जो आया, हमने उस समय से लेकर अभी तक जो कॉल्स आई हैं उसके बारे में भी एक ब्रीफ एनालिसिस किया, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इसके अंदर टोटल 36,083 कॉल्स रिसीव हुई हैं 13 तारीख 8 बजे से लेकर आज दोपहर तक। हमारा डाटा लाइव में है, हम किसी भी समय, अगर आप कहें एक घंटे बाद का चाहिए तो एक घंटे बाद का, आपने स्क्रीन पे भी देखा वो लाइव आ रहा है। तो ये कॉल्स हमारे यहाँ पर रिसीव हुई, जिसमें से क्योंकि कई कैटेगरीज हैं लेकिन मैं निचोड़ पे आऊँगा कि जो एक्शनेबल कॉल है जिसके ऊपर गाड़ी को मौके पर भेजने की आवश्यकता आती है, वो 2788 कॉल आई हैं। इसका प्रेस नोट मैं अभी आपको दे दूंगा। सो 2788 कॉल्स जो आई, इसके अलावा कई कॉल्स हैं जिसके अंदर गलती से बटन दबता है और कॉल यहाँ पर आ जाती है। ये पूरे इंडिया का फिनोमेनन है, सीडेक से जब हमने कंफर्म किया दिस परसेंटेज इज वेरी बिग फॉर द एंटायर कंट्री। तो नेट एक्शनेबल कॉल्स वर 2788 और बाकियों में कई बार इंक्वायरी के लिए आ जाता है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, उसमें कोई गाड़ी डिस्पैच करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कहते हैं जी हम टेस्ट कर रहे थे, एक आधी एप्रिसिएशन के लिए भी कॉल्स आई कि जी बहुत अच्छी स्कीम आपने चालू कर दी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता था। और कुछ ब्लैंक कॉल्स भी आती हैं, और जैसा कि किसी भी सिस्टम के अंदर होता है, कुछ जो रात को दारू पी के और फ़ोन उठा के कर देते हैं भी चल कर दिया, और उसके बाद कई बारी कुछ अभद्र भाषा या कोई गलत शब्दों का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब निचोड़ यहाँ पर आता है, हमने उसके अंदर से गाड़ियों को डिस्पैच किया है। हर इवेंट को जब गाड़ी जाती है उसको क्लोज किया जाता है कि हाँ जी ये क्लोज हो गया, गाड़ी की मूवमेंट स्क्रीन पे हमें दिख रही थी, और क्लोज करने का सिस्टम इंटरनल है जो वहाँ पे MDT लगा हुआ है उसके ऊपर वो इवेंट को क्लोज करते हैं। सारी कॉलों का हम फीडबैक लेते हैं, जो कि एक अलग यूनिट अंदर ऑपरेट कर रहा है, वो फीडबैक लेता है कि लोगों के अंदर मतलब इस सिस्टम से रिस्पॉन्स से क्या फ़र्क पड़ा। हम उस सेटिस्फेक्शन लेवल तकरीबन 80-85% के ऊपर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।